हाय गाइस, आज मैं आपको एक, ये मेरी फ्रेंड है, हाय से हाय. ओके, आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह ले जाने वाली हूँ. मतलब वो यहाँ से, मेरे घर से मुश्किल से 10 मिनट दूर है. एंड वहाँ पे मैं, मतलब जैसे मेरे को थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करना होता है ना, तो मैं वहाँ पे काफ़ी जाती हूँ. अभी काफ़ी टाइम हो गया, एक्चुअली गई नहीं, तो आज बहुत टाइम बाद जा रही हूँ. एंड रात के 10 बज रहे हैं. वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मोस्टली लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है, वो ये है कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, एक्सेप्ट फॉर मिठाई. मतलब मिठाई ऐसी चीज़ है जो मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गुलाब जामुन हुआ तो वो एक से ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ. लेकिन मीठा, लाइक मुझे क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा, तो रात में मुझे स्पेशली क्रेविंग होती है. तो मैं हमेशा, जैसे चोको पाई हो गई या कोई चॉकलेट हो गई, वो अपने पास ला के रखती हूँ. तो सबसे पहले हम सीओ जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेंगे, एंड फिर उसके बाद हम उस जगह पर जाएंगे. लेट मी शो यू दिस प्लेस. अभी बहुत सुनसान हो रहा है. ओके, एक गाड़ी आने वाली है, साइड हो जाती हूँ. काफ़ी सेफ है यहाँ पे एक्चुअली. आप अगर 2 बजे भी जाते हो ना बाहर, तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब काफ़ी सेफ है और मज़ा आता है. ओके, हम बाहर आ चुके हैं. एंड अरे रीना, थोड़ा साइड हो जाओ. ओके, या सी गाइस, इट्स सो प्रिटी. लाइक जैसा, मतलब ये जगह मैं देखी हूँ ना, मेरे को ऐसे एकदम के ड्रामा की याद आती है. एकदम क्लीन, बहुत ही पिक्चर जैसा. सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है वीलॉग बनाते हुए, तो मुझे बहुत शर्म सी आ रही है. लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली हिंदी में बोल रही हूँ, तो इतना ज़्यादा शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी मेरे को समझ नहीं सकता वैसे भी. 7-Eleven. या 7-Eleven जाते हैं पहले. वो वहाँ पे 7-Eleven दिख रहा है. ओके, हम यहाँ पे 7-Eleven में आ चुके हैं. ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ. वैसे तो मुझे मीठा लेना है, सो मीठा ही लेते हैं. ये जो सैंडविचेस है ना, मैं इनमें से ये मीठे वाला ट्राई करना चाहती थी. वैसे तो मैंने सारे ट्राई किए. मेरी जब क्लास होती है तो मैं हमेशा सैंडविचेस ही खाती हूँ. सो ये है, ये क्रैनबेरी एंड रिकोटा चीज़ है, और ये मीठा सैंडविच है. हाँ, तो ये 3001 का मिल रहा है, तो ये मैं एक बार ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए. ओके, सो ये सैंडविच और ये बनाना. देख, हम सामीदा देख. ये है बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर बिल्डिंग जहाँ पे रहने की औकात नहीं है. हाँ है भाई, है हमारी नहीं, हमारी नहीं, जो रह रहे हैं उनकी औकात है. बट मूविंग ऑन, आगे चलते हैं. वीडियो में नहीं आ रहा है, बट ऐसे बहुत प्रिटी है. लेकिन कोरिया का जो ब्यूटी है ना, ये मतलब सिर्फ आंखों से ही आप देख के फील कर सकते हो. यहाँ पे जब भी रोड क्रॉस करना होता है ना, तो ऐसे रेड लाइन होती है, और जब तक ये ग्रीन नहीं होती है तब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते हो. और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं. एंड वहाँ पे जो आप देख रहे हो, वो जो लाल आदमी खड़ा हुआ है, जब वो ग्रीन हो जाएगा तब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं. तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी. ओके, सो फाइनली ग्रीन हो गया एंड हम रोड क्रॉस करेंगे. ओके, सो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे एंड रोड के दूसरी ओर निकलना है मेरे को. सो लेट्स गो. शिट, हम लोग कचरा फेंकना भूल गए. हाँ, तो सड़ेगा. सो यहाँ से अब मैं निकल रही हूँ एंड रोड की उस तरफ पहुँच जाऊँगी. ओके, सो फाइनली मैं आपको इस जगह के एंट्रेंस पे ले आई हूँ. बहुत ही प्रिटी है. आई डोंट नो कि फ़ोन में कैसा आएगा, वीडियो कैसी बनेगी, बट आई विल ट्राई टू शो यू द प्लेस प्रॉपरली. सो इस वक्त बेसिकली कोई भी नहीं होगा यहाँ पे. वैसे तो शाम वाले टाइम में काफ़ी सारे लोग दिख जाते हैं रनिंग करते हुए या वॉक करते हुए, बट आई थिंक अभी ही खाली ही होगा. लेट्स सी. अच्छा ही है, खैर. मोस्टली दिस प्लेस इज़ सेफ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है. जब मैं एक बार पहले भी आई हूँ 2 या 3 बजे, तब एकदम सुनसान था, तो मुझे थोड़ा डर लगा था, बट एक्चुअली नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट कोरिया. ओके गाइस, सो इस टाइम, हाँ, लोग तो दिख रहे हैं. सो दिस इज़ हंगंग. आप अलग अलग जगह पे जाके हंगंग देख सकते हो, बट यहाँ पे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे घर से काफ़ी पास है. सो प्रिटी. ओके, दिस इज़ द प्लेस. एंड यहाँ से आप सिटी लाइट्स देख सकते हो. ओके, लेट मी शो यू द प्लेस. ये ऊपर ब्रिज है. सो ये जो रोड है ना, इस पे लोग बेसिकली या तो रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं. मुझे एक्चुअली साइकिलिंग करनी थी, एंड मुझे मौका कभी मिला नहीं. मे बी आई विल डू इट, बिकॉज अभी मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है.
बट यहाँ पे अच्छा लगता है आके। ऐसी जो सीट होती है ना, जैसे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ मैं बैठ के इस व्यू को देखती हूँ और अपने ख्यालों में खो जाती हूँ। ओके, यहाँ पे भी लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, एक क्यूट सा लौंडा भी भाग के आ रहा है, अब वो भाग के चला गया। अब ऐसा लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे मतलब लड़के बहुत ही हैंडसम होते हैं, के पॉप आइडल जैसे होते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। कोरियन लड़के दे आर गुड लुकिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ देम आर विद अ गर्ल। या मतलब सारे कपल्स होते हैं, सब कमिटेड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड है एक्चुअली डेटिंग का। एक बंदे से आप ब्रेकअप करोगे फिर आप दूसरे को डेट करने लग जाओगे, सो इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे इंडिया में होता है कि एक के साथ ब्रेकअप हुआ तो आप अपने गम में डूब जाते हो एक एक साल के लिए या दो साल के लिए, एंड देन यू कांट मूव ऑन। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लोग पार्टनर्स बहुत फ्रीक्वेंटली बदलते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं। सी, एक कपल अभी ऊपर जा रहा है। अभी मैं कोई बैठने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ एंड फिर मैं सैंडविच खाऊंगी अपना। एक्चुअली यहाँ बैठना था बट इट्स अ बिट डर्टी। ओके, सो मुझे मेरी परफेक्ट सीट मिल गई है जहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा शूट कर सकती हूँ। ओके, सो अब मैं अपना सैंडविच निकाल लेती हूँ एंड लेट्स ट्राई इट। ऐसा मीठा सैंडविच मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया है, सो मेरा फर्स्ट टाइम है। लास्ट टाइम मैंने जब इसे देखा था तो मेरा मन था इसे खरीद के मैं क्लास टाइम में खाऊँ, बट आई वॉन्टेड टू ईट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड टेल यू इसका रिव्यू, क्योंकि ऐसी चीज़ आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसे मीठे सैंडविचेस मिलते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। एंड इसके साथ मैंने ये खनाना उयू ख़रीदा है, जो कि आपने के ड्रामास में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे, बट मैं जब शुरू में आई थी ना कोरिया में, मैंने इसे इतना ज़्यादा पिया है, मतलब लिटरली दिन में मैं दो तीन बार पी जाती थी। तो मतलब मेरी ऐसी आदत है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को करती हूँ अनटिल आई गेट वेरी टायर्ड ऑफ इट। तो इससे मैं बहुत पक चुकी हूँ, बट ये मैंने काफ़ी टाइम बाद आज ख़रीदा है। ओके, सो लेट्स ट्राई द सैंडविच। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हो इसमें चीज़ भी है और कुछ वाइट क्रीम और क्रैनबेरी है और रिकोटा, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, इट्स रिकोटा चीज़। सो लेट्स ट्राई इट। वाओ, बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, इट्स एक्चुअली फाइन। नो, दिस इज एक्चुअली फाइन, क्योंकि ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ें हैं कोरिया में जो मैंने जब पहली बार देखी थी तो मेरे को लगता था यार ये इतना गंदा जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ये चीज़ कैसे कोई खा सकता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि वो चीज़ खाने के बाद मेरे को वो एकदम मुँह पर लग गई, मुझे लगा यार ये एक्चुअली में टेस्टी है। तो कोई भी चीज़ खाने से पहले आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए, बट आई डोंट नो इफ आई कैन ईट इट कम्प्लीटली बिकॉज मैंने अपना डिनर कर लिया। अभी किसी लड़के ने आवाज़ लगाई कोरियन में एंड मुझे लिटरली लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, मैं डर गई एकदम, बट वो अपने फ्रेंड्स को बुला रहा था। यू वांट टू ट्राई? नो बेबी, आई कांट ईट दिस, देयर इज अ हैंड ग्रेनेड, लुक एट दिस। हाँ, अभी काटना पड़ेगा वीडियो से। बीफ को मैं खैर खाती ही नहीं हूँ, आई डोंट ईट बीफ, बट इसमें पोक है एंड पोक लाइक आई एम फाइन विद पोक। एक लड़का मेरे को घूर के देख रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। नहीं यार, घूर नहीं रहा है, देख घूरा नहीं देखा उसने। आ, दो सेकंड तक कौन ही है। दो एलियन फॉरेनर्स रात में बैठ के कैमरा खोल के सैंडविच खा रही है। मुकबांग। मैं एक टाइम में ना ज़्यादा खाना नहीं खा पाती हूँ, तो मुझे खाना एक्चुअली दिन में 5-6 बार चाहिए होता है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट खाती हूँ। तो अगर मैं कभी किसी के साथ डिनर करने जाती हूँ तो मैं ठीक से डिश नहीं मंगा पाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं पूरा नहीं खा पाती, एंड देन पीपल थिंक कि यार इसको तो भूख ही नहीं होती है, तो इतना सा खाती है। तो मेरे को बहुत अजीब लगता है लोगों के साथ खाना खाना, अनटिल आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद देम। लंबी सी वीडियो बना दूँगी फिर काटा कुटी कर दूँगी। अच्छा खा के देखो ना, मैम इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो गंदा हो गया मेरा। इट्स यू बेबी, इट्स मी, हाय, आई एम प्रॉब्लम, इट्स मी। सो ये है यहाँ का व्यू, यहाँ पे एक कपल है और जो बंदा है वो अपनी बंदी को एक्सरसाइज करना सिखा रहा है, तो पता नहीं क्या सिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फाइनली मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, मतलब कि आधा, जो आधा है वो अभी भी बचा हुआ है, बट एज आई टोल्ड यू मैं एक बार में इतना ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, और मैंने डिनर ऑलरेडी कर लिया है, तो अब ये मैं कल खाऊंगी, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी।
मतलब मैंने ये इतना पी लिया ना कि अब मुझे मतलब बनाना का टेस्ट, मेरे को ऑलरेडी बनाना पसंद नहीं है या मुझे कोई भी फ्रूट पसंद नहीं है, बट ठीक है ठंडा है, नाइस। तो पैकेज फूड्स इन कन्वीनियंस स्टोर आर फ्रेश एंड नाइस, एंड इन पे जो डेट होती है ये एक्सपायर्ड आइटम्स नहीं होते हैं, तो ऐसे डरने की बात नहीं होती है। तो यूजुअली मैं सैंडविचेस खाती हूँ या तो मैं किम्बाब खाती हूँ। किम्बाब मैंने 2 महीने लगातार खाया था रोज़ रोज़, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, सो अब मैं सैंडविचेस पे आ चुकी हूँ। सैंडविचेस की वैरायटीज़ काफ़ी सारी होती है सीयू में। ओके, सो खाना पीना ख़त्म हो चुका है, अब घर जाने का टाइम आ गया है, तो मैं निकलती हूँ। ये मेरा एक्चुअली पहला व्लॉग था तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था पब्लिक में, क्योंकि लोग ऐसे घूर घूर के देखते जैसे आप पता नहीं क्या इलीगल कर रहे हो। मैं यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन देख रही हूँ, ये वेस्ट है ये रिसाइकल है, तो रिसाइकल में आई गेस सो या इसमें प्लास्टिक है ऑलरेडी। यहाँ पे जो कचरा फेंकने का सिस्टम है ना, ये मतलब इतना इरिटेटिंग था शुरू में, क्योंकि बेसिकली जो फूड वेस्ट है ना वो अलग जगह जाता है और जो नॉर्मल वेस्ट है वो अलग जगह जाता है, एंड दोनों के पॉलीथीन का कलर भी अलग होता है। जैसे कि अगर आपको खाना फेंकना है तो उसके लिए एक येलो पॉलीथीन आता है, और जो नॉर्मल वेस्ट है जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, उसको मैं वाइट, बड़े वाइट पॉलीथीन में डालती हूँ। ये शुरू में डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पे फ़ाइन लग सकता है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ाइन है। यहाँ पे हर जगह कैमराज है, तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी स्केरी थिंग। एंड ऑल्सो अगर आप कोई खाना खा रहे हो ना और वो कोई लिक्विड है, तो उसे खाने के बाद आपको उस डब्बे को धोना पड़ेगा, एंड धो के फिर उस डब्बे को डिस्पोज करना पड़ेगा, तो आप उसी में लगे हुए खाने के साथ उस डब्बे को नहीं फेंक सकते हो। ऑल्सो कोरिया में जो गार्बेज बिन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, कहीं कहीं पे ही आपको दिखेंगे। तो अगर आप कुछ खाते हो बाहर, तो मोस्टली जैसे मैं खाती हूँ तो वो कचरा मैं अपने बैग में ही वापस डाल देती हूँ, और घर जाके मैं अपने गार्बेज बैग में उसको डालती हूँ। अभी गाइज मुझे फिर से लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी, बट बेसिकली जब पीछे से कोई साइकिल आती है ना, ओके हाँ इन अंकल ने भी बोला, पीछे से जब कोई साइकिल आती है ना, दे वॉर्न यू, ज़ोर से चलाते हैं कि प्लीज़ बी केयरफुल, ताकि आप साइड हो जाओ, आपको कोई दिक्कत ना हो। टेल मी इन कमेंट्स कि अगर आपको कभी मौका मिले ऐसा मीठा सा सैंडविच खाने का, क्या आप कभी इसे ट्राई करोगे या नहीं करोगे। कोरिया में ना कपल्स का कुछ अलग ही मतलब अलग टाइप का पीडीए चलता है, तो ये लोग ऐसे किस नहीं करते हैं, लेकिन जिस वे में ये लोग चलते हैं ना, या ऐसे मतलब कहीं पे भी खड़े होते हैं, इतना चिपक के खड़े होंगे ना, लाइक लिटरली लगता है अभी किस कर देंगे, या मतलब इट्स जस्ट सो अनकम्फर्टेबल समटाइम्स इवन दो दे आर नॉट किसिंग। आपको पता है कोरिया में 70% जो एरिया है ना वो पूरा माउंटेन है, इसलिए यहाँ पे इवन दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी डेवलप है, बहुत बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यार पूरे टाइम, एंड बहुत ही ज़्यादा थकान होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक रास्ता जिसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ये ऐसे लग नहीं रहा है जैसे कि मैं चढ़ रही हूँ ऊपर, लेकिन ये लिटरली आई थिंक 30 डिग्री का स्लोप है, एंड ये ख़त्म होने के बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ भी हैं, एंड आपको पता चल रहा होगा मेरी सांस फूल रही है। ये ख़त्म हो गया, ओके सो मैं यहाँ से आई और अब मैं और चढ़ने जा रही हूँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।